हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ, ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड, आज मैं आपको पैंसी के फ्लावर के बारे में कुछ बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बेहद ही सुंदर फूल होते हैं और इसके फूल ऐसे लगते हैं कि मानो तितली उड़ रही हो। जब हवा चलते हैं और उसके पंखुड़ी ऐसे हिलते हैं तो मानो कि सच में तितली उड़ के आ गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। इसे बंदर के मुँह वाले भी फूल बोलते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान से ये एरिया देखिए, ऐसा लगेगा कि बंदर का फेस है, पर मुझे फ्रेंड्स ये बंदर का मुंह से ज़्यादा तितली फूल ज़्यादा लगते हैं। मुझे तितली फूल बोलना ज़्यादा पसंद है फैंसी के फूलों को। बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही प्यारा फूल है और इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो इसे काफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, इसे मॉइस्चर वाला सॉइल पसंद है। इसके सॉइल जब हम तैयार करें तो इसमें हम लोग को एक हिस्सा रेत मिलानी चाहिए, कोकोपीट भी मिला सकते हैं, वो मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा। और इसमें दो हिस्सा बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं और एक हिस्सा हम लोग गार्डन सॉइल मिला सकते हैं। इसमें हम लोग पोटाश भी मिला सकते हैं, 2 चम्मच बोन मील दे सकते हैं। और काफ़ी वेल्डन सॉइल इसकी तैयार करनी चाहिए हम लोग को। और इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दें, अर्ली मॉर्निंग की धूप दें, क्योंकि इसको सनी एरिया तो पसंद भी है, सूरज की गर्माइश तो पसंद ही है, साथ में इसको ठंडक भी चाहिए, छाया भी चाहिए। इसको दोपहर की धूप में रखेंगे तो इसके फूल की पत्तियाँ, इसकी पंखुड़ियाँ ऐसे मुड़ मुड़ की ऐसे झुक झुक जाएंगी, इतने सुंदर फिर नहीं लगेंगे, फ्रेश नहीं लगेंगे। तो इसको हम लोग को ऐसे ही जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे ऊपर में बड़े प्लांट हो, उसके नीचे इसको हम लोग को रखना चाहिए। जैसे सनलाइट तो इसको मिले पर छन छन के मिले, सेमी सेड एरिया में रखें और डायरेक्ट धूप में इसे ना रखें। दोपहर की डायरेक्ट धूप में तो बिल्कुल भी ना रखें। और वाटरिंग की बात करें तो इसको हम लोग ऐसा वाटरिंग करें कि डेली थोड़ा थोड़ा पानी दें हम लोग, जिससे इसमें मॉइस्चर मेंटेन रखे। इसको वैसे ही पसंद है कि इसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी मिले, ज़्यादा पानी ना दे, ओवर वाटरिंग ना करें, इससे इसकी जड़ें गल जाएंगी। और अंडर वाटरिंग करेंगे तो फूल कम आएंगे और फूल जो आएंगे तो उसके कलर फेड होने लगेंगे, उतने सुंदर कलर में नहीं आएंगे। और कम ओवर वाटरिंग से इसके जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसको बीच बीच में हम लोग को गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, पर गुड़ाई करते समय हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर के रूट, फीडर रूट जो होते हैं वो डैमेज ना हो, जिसे ये फीड करते हैं। इसके जो पैंसी के जो रूट होते हैं वो काफ़ी ऊपरी मिट्टी के ऊपरी लेयर में ही रहते हैं, ऊपरी लेयर से सट सट के ही जाते हैं। तो इस गुड़ाई करते समय काफ़ी ध्यान रखें कि इसके फीडर रूट डैमेज ना हो। और इसमें वाटरिंग करें तो डेली वाटरिंग करें, थोड़ा थोड़ा ऊपरी लेयर को सूखने ना दें, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर हम लोग फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके हम लोग हर 15 दिन में हम लोग NPK इसमें डाल सकते हैं, NPK 5-10-5 डाल सकते हैं, 1 स्पून डाल सकते हैं, 1 लीटर पानी में घोल करके। और इसे काफ़ी ह्यूमस रिच सॉइल पसंद है। ह्यूमस रिच सॉइल के मतलब होता है कि काफ़ी खाद वाला सॉइल इसको चाहिए। और ये ठंडा का फूल पसंद है, इसको ठंडक ठंडक एरिया बहुत ठंडा ठंडा, इसको ठंडक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसे ठंडी प्लेस में रखें, अगर आप बालकनी, अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो इसे आप बालकनी में हैंगिंग बास्केट के रूप में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत भी सनलाइट आता हो तो अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, कम सनलाइट में ये अच्छे से ग्रो होता है। तो फ्लैट वगैरह की बालकनीज में, किसी भी विंडोज़ में हम लोग इसको आराम से हैंग कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसको आधा मुट्ठी खाद हम लोग को हर महीने 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर देना चाहें तो गोबर का खाद या सरसों की खली दे सकते हैं। 1 चम्मच DAP भी 1 लीटर पानी में घोल के डाल सकते हैं, पोटाश भी डाल सकते हैं। 15 दिन में
ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। साथ ही इसके डेड हेडिंग भी हम लोग को करते रहना चाहिए जिससे इसमें सीड ना बने। ये देखिए जैसे ये फूल मुरझा गया है, तो इसको मैं दिखाती हूँ, ऐसे यहाँ से इसको ऐसे डंठल से ऐसे नीचे से पिंच कर देना चाहिए ताकि इसमें सीड की फॉर्मेशन ना हो। और सीड बनने के लिए छोड़ देंगे तो इसका जितना भी एनर्जी है सीड बनने में लग जाएगा और फिर फ्लावरिंग कम आएगा। तो डेड हेडिंग काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डेड हेडिंग सीड। और प्रोपेगेशन की बात करें तो ये सीड से भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, और हम लोग नर्सरी से इसके सीडलिंग सैपलिंग ला के भी लगा सकते हैं और इसके कटिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कटिंग साल्विया का प्लांट है उसके नीचे ठंडक वाली जगह में इस तरह से एक कटिंग को मैंने देखिए ग्रो किया है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छे से कटिंग लग गया है, जैसे कि मैं आपको कटिंग लगा के बता रही हूँ। जैसे ये यहाँ से एक ब्रांच दिखे, यहाँ से ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे एक कोई भी साइड में छोटा सा ब्रांच एक हम लोग लेंगे, ऐसे पिंच कर लेंगे और इसके नीचे की ये देखिए ये पत्तियाँ हटा देंगे ऐसे हटा के, और ये देखिए ये ऐसे एक इस तरह से होल दे के उसके बाद इसको ऐसे हम लोग ऐसे दबा देंगे मिट्टी में और थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे। उसके बाद ये अच्छे से ये कटिंग चल पड़ेंगी और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है अच्छे से। तो फ्रेंड हम लोग ने इसकी वाटरिंग, सॉइल, फर्टिलाइज़र, सनलाइट की सारी बातें बता दी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स मैं आज आपको अपने कुछ ब्लूम्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए आज एक ये रेड डालिया हुआ है, ये देखिए और एक ये डालिया, ये भी रेड ही निकला। ये कॉस्मोस देखिए, एक ये ऑरेंज हिबिस्कस, ये मैंडेविला, ये देखिए और ये देखिए ये खिलते ही जा रहे हैं, ये हिबिस्कस, सॉरी फ्रेंड्स स्नोबॉल क्रिसेंथिमम। इतना सुंदर लग रहा है, ये जैसे जैसे खिल रहे हैं इसका वजन डाल उठा नहीं पा रहा है। इसको मैंने एक स्टैकिंग लगाया है, ये देखिए इस तरह से ट्रेशियम देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे जेरेनियम भी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर कलर है फ्लावर का। और ये एक पिटूनिया देखिए अभी अभी ब्लूमिंग करना स्टार्ट हुआ है, उसका कलर कितना प्यारा है। ओके फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स बाय।